दोस्तों, नोकिया ने मई में ये नोकिया 106 4G फीचर फ़ोन लॉन्च किया है 2023 मॉडल का। इसकी प्राइस मात्र 2200 रुपये है और अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इस फ़ोन के बारे में जितने भी डाउट्स हैं हमने उनके बारे में बात किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर फ़ोन सेटिंग्स में जाना है और लैंग्वेज सेटिंग में जाके आप 12 इंडियन लैंग्वेजेस में से चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये फ़ोन लेते ही आपको इसके कीपैड का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा परेशान कर सकता है आपको। कीपैड वॉल्यूम बंद करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर नीचे प्रोफाइल्स में जाना है, नॉर्मल में जाके आपको सेटिंग्स में जाना है और एडजस्ट वॉल्यूम में जाके सबसे नीचे कीपैड टोन को आपको बंद करना है। इस फ़ोन में आपको डिस्प्ले टाइम आउट सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका डिस्प्ले 10 सेकंड में डिम हो जाता है और 15 सेकंड में ऑफ हो जाता है। अगर आपको फ़ोन फॉर्मेट करना है तो आपको *#7370# दबा के आप इसका पूरा डेटा इरेज कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और आप उनके लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इसके मेन्यू में जाके इसके आइकन्स को जूम भी कर सकते हैं और इसके आइकन्स फिर बड़े बड़े आने लगेंगे। साथ ही आप सेटिंग्स में जाके इसके डिस्प्ले में टेक्स्ट साइज को भी लार्ज कर सकते हैं। फ़ोन का वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप पहले 120x160 पिक्सल्स का एक इमेज मेमोरी कार्ड में रख लें, फिर सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में जाके आपको वॉलपेपर चूज़ करना है। मोर पिक्चर्स में जाके आप अपने मेमोरी कार्ड में वो पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसका प्रीव्यू देखने के बाद आप इसे सेट कर सकते हैं और आपका वॉलपेपर कुछ ऐसा लगेगा। कॉल फंक्शन की बात करें तो ये फ़ोन दोनों स्लॉट में जियो सिम सपोर्ट करता है वोल्टी के साथ। इसमें अगर जियो सिम चलाना है तो आपको इसमें नॉर्मल जियो का रिचार्ज करना पड़ेगा, जियो फ़ोन वाला रिचार्ज इसमें काम नहीं करेगा। ये फ़ोन में आपको एक लाउड स्पीकर भी मिल जाएगा। साथ ही आप इसका कॉल रिकॉर्डिंग मैन्युअली भी चालू कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको इसके फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा और मेमोरी कार्ड में ऑडियो में जाके आप इसका कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में सामने वाले को कोई भी बीप सुनाई नहीं देगा। इस फ़ोन में आप अपने एंड्रॉयड से सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लूटूथ के द्वारा सिंक कर सकते हैं। स्पीड डायल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट्स में जाना है और यहाँ पे 3 लाइन ऑप्शन दबा के नीचे अदर्स में जाना है। यहाँ पहला ऑप्शन आपको स्पीड डायल का मिलेगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप 2 से लेकर 9 नंबर तक स्पीड डायल सेट कर सकते हैं, तो 2 नंबर पर जाके आप सेलेक्ट करिए और ऐड दबा के आप कोई भी कॉन्टैक्ट्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो 2 नंबर पे मेरा कस्टमर केयर नंबर सेलेक्ट हो गया है। अब जैसे ही मैं 2 नंबर लॉन्ग प्रेस करूँगा ये कॉल उस पर लग जाएगा। कॉन्टैक्ट इमेज सेट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स में जाना है। यहाँ कोई भी कॉन्टैक्ट चूज़ करिए और एडिट दबाइए। मॉडिफाई आइकन में जाके आप कोई भी एल्बम से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने मेमोरी कार्ड से। प्रीव्यू करने के बाद आप उसे सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ये कॉन्टैक्ट पे डायल करूँगा मुझे ये कॉन्टैक्ट इमेज दिखेगा। किसी भी कॉन्टैक्ट को ग्रुप में डालने के लिए आपको पहले कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है। एडिट में जाके आपको नीचे अनक्लासिफाइड मिलेगा, उसे आप एडिट कर लीजिए और आप इसे कोई भी ग्रुप में डाल सकते हैं, जैसे कि फेवरेट, फैमिली, फ्रेंड, बिजनेस और क्लासमेट। तो यहाँ मैं बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला कॉन्टैक्ट बिजनेस कैटेगरी में सेव हो गया है। कनेक्टिविटी के लिए नीचे आपको माइक्रो यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। ऊपर में 3.5mm जैक मिल जाएगा, साथ ही एक टॉर्च लाइट मिल जाएगा। इसके ब्लूटूथ से आप TWS भी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप म्यूज़िक भी सुन पाएंगे और साथ ही आप इससे कॉल भी ले सकते हैं। फ्यूचर में अगर इस फ़ोन का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप उसे ऑनलाइन ही इस फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी अपने सिम कार्ड में और एक मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। मीडिया की बात करें तो आपको इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा जिसमें कि आप 32GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। साथ ही इसमें आपको एक MP3 प्लेयर देखने को मिलेगा। इसके MP3 का वॉल्यूम काफ़ी लाउड है।
इसके म्यूज़िक प्लेयर में आप प्लेलिस्ट तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इक्वलाइजर देखने को नहीं मिलेगा। इस फ़ोन में आपको एक वायरलेस एफएम देखने को भी मिल जाएगा। ये एफएम आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए आपको फाइल्स में जाना है, फिर ऑडियो में जाना है, वहाँ पे आपको एफएम नाम से इसका रिकॉर्डिंग सेव्ड मिलेगा। ऑडियो नोट्स लेने के लिए या वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको इसमें एक रिकॉर्डर एप्लीकेशन भी मिल जाता है। ऐप्स की बात करें तो इसमें आपको ओपेरा मिनी ब्राउज़र मिल जाएगा नेट सर्फिंग के लिए। इस ओपेरा ब्राउज़र से आप बहुत ही बेसिक काम कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन म्यूज़िक स्ट्रीमिंग नहीं चलेगा। इसमें आपको फेसबुक ऐप भी देखने को मिलेगा, जो कि इंटरनली ओपेरा मिनी ब्राउज़र से ही ओपन होता है। आप फेसबुक और ओपेरा मिनी ब्राउज़र को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इस फ़ोन का सबसे मेन फीचर है इसका यूपीआई पेमेंट। इसे करने के लिए आपको जीएस पे ऐप ओपन करना पड़ेगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके सेटअप के लिए बना दिया है, वो आप आई बटन्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी को यूपीआई पेमेंट करने के लिए आप कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं। यहाँ 39 ऑप्शन चूज़ करके आप नीचे पे पे सेलेक्ट करिए। पे पे सेलेक्ट करते ही आपको ये गपशप पे ऐप ओपन करके देगा और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। गेम्स की बात करें तो आपको टेट्रिस, रेसिंग अटैक, डूडल जंप और ब्लैक जैक जैसे गेम देखने को तो मिलेंगे, लेकिन इनके कुछ ही ट्रायल्स आप फ्री में खेल सकते हैं, बाद में इन्हें आपको परचेस करना पड़ेगा। वहीं नोकिया का पॉपुलर स्नैक गेम आप अनलिमिटेड खेल सकते हैं। इसमें कोई भी गेम आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कनेक्टिविटी के लिए कोई भी वाईफाई या हॉटस्पॉट नहीं है। इसमें कोई भी आपको कैमरा या वीडियो प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐप स्टोर नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके काफ़ी डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।